Dr. Mohammed Faber Sujani Sahab, Dr. Latif, Dr. Arif, Arif bin Azhar Sahab, Saleem Nasir Sahib, Mari Kardi Aziz, Alia, Baji Kabul, Malika Kabul, Alfaz Zahim, Lekan Kutsurat, Alfaz Tahir, Unhye Bihan Ki, उससे हमें सीखना चाहिए, मेरी सीखने का अमल कभी बंद नहीं होना चाहिए। मैं दो बातें करूंगा आज इस मकसद के लिए इस महफिल का इनेकाद किया गया है। डॉक्टर जमील चांदी साहब जिनकी सालगिरह की हमने बात की और फिर उर्दू लगन की जो संस्कृत की सालगिरह की बात की। डॉक्टर जालिब साहब पर बहुत सारी बातें यहाँ की मैंने सुनी और एक बात जो ये कही गई कि ऊपर कई घंटों की बात कर ली जाए तो कम है, मैं उससे आगे की बात करना चाहता हूँ। मैं ये कहना और पूछना चाहता हूँ साहिब अदब यहाँ बैठे हैं और बड़े अदब से कि डॉक्टर जालिब साहब के मजमू को जो किताब की शक्ल में मौजूद है उससे हमने सीखा, उस पर हमने अमल करने के लिए क्या इकदाम किए। उन्होंने तो अपनी जिंदगी वक्फ कर दी और हमने उन सब चीजों को किताबों में बंद करके कहीं लाइब्रेरियों में सजा दिया और पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं तो सिर्फ इसी मकसद के लिए, अमल नहीं है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो तसी कर दीजिए। और यही हाल है जिंदगी के हर परमान का। हम वो कौम है जिसे पता सब है, बहुत होशियार है, हर चीज पे नजर है, बस अमल की ही तो कमी। हम सब जानते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तकलीफ क्या है, लेकिन कहीं खामोश रह के और कहीं अमल ना करके इस तमाम निजाम का सिस्टम का हिस्सा बन गए। अगर यूं कहूं कि एक उम्र से फरेब सफर खा रहे, एक उम्र से फरेबे सफर खा रहे हैं हम, मालूम ही नहीं कि किधर जा रहे हैं।